हर हर महादेव, जय श्री शंभू। भगवान शिव शक्ति माता आदि शक्ति आपके घर परिवार पर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना है। आज वीडियो खास है माता तुलसी से लेकर। जो व्यक्ति माता तुलसी के इन नियमों का पालन करता है, उनकी इस तरह से पूजा करता है, इन उपायों को करता है, उसके घर परिवार पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जैसे कि शास्त्र वर्णन है और गुरुदेव कहते हैं, जिस घर में माता तुलसी का नित्य सुबह शाम पूजा होता है और विशेष उनकी आराधना की जाती है, उस घर में यमराज भी प्रवेश करने से डरते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का हमेशा के लिए नाश होता है और सकारात्मकता उस घर परिवार पर वास करती है। ऐसे में तुलसी से संबंधित कुछ उपाय हैं जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला कार्य, अगर आपके घर पर तुलसी है तो कभी भी बिना नहाए धोए उसे स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अगर तुलसी में सर्दी आरंभ हो गई है, अगर उसके ऊपर मंजरी लखी है, गुरुदेव ने यह खास जानकारी हम सभी को दी है, तो मंजरी जो है तुरंत उतार लेनी चाहिए। शास्त्र वर्णन है कि जो तुलसी के ऊपर मंजरी लगी होती है वह माता तुलसी के ऊपर भार की तरह होती है। जो व्यक्ति माता तुलसी के ऊपर लगी हुई मंजरी को उतार कर श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देता है, श्री हरि विष्णु उसकी तुरंत मनोकामना पूर्ण करते हैं। कोई भी माता तुलसी का कार्य करें तो श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जाप किया करें, इससे काफी सुफलों की प्राप्ति होती है। जैसे शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। जब भी आप श्री हरि विष्णु के कोई कार्य करें तो मुख कभी भी खाली न छोड़ें, इस मंत्र का निरंतर जाप करें। साथ ही सर्दी आरंभ हो चुकी है, माता तुलसी जो है उसे पूर्ण रूप से ढका कर उड़ा कर रखना चाहिए। गुरुदेव ने अपनी कथा में हमें यह जानकारी दी है कि माता तुलसी को जो है हमेशा माता की तरह रखना है और उसके ऊपर कोई लाल रंग का कपड़ा इत्यादि, चुन्नी इत्यादि ढक के रखना चाहिए, इससे बहुत अधिक फायदे होते हैं। गुरुदेव की बातें ऐसे ही नहीं है, जब आप गार्डनिंग की इस तरह की जानकारी रखते हैं तो अगर तुलसी की मंजरी जो लगी हुई रहती है अगर उसे तोड़ा नहीं जाता तो तुलसी सूख जाती है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। और सर्दी में अगर उसे ढका कर नहीं रखते तो वह सूख जाती है, तो इस बात का ऐसे ही कारण नहीं है, बहुत दिव्य कारण छुपा हुआ होता है इन कारणों से, और इनके लाभ तो होने ही हैं। इसके साथ ही सुबह शाम प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी माँ के आगे दीपक लगाना चाहिए। माता तुलसी के आगे लंबी बत्ती का दीपक लगता है और घी का दीपक लगता है, और इस दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होता है, बहुत अच्छे सुफलों की इससे प्राप्ति होती है। रोज यह नियम बना लीजिए, हालांकि सुबह के समय दीपक नहीं लगाते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुबह जो है आप सभी जल चढ़ा दीजिए, शाम को जो है दीपक लगा दीजिए। माता तुलसी का जो जल होता है उसे पूरे घर में छिड़काव करने से, अर्थात तुलसी पर आपने जल समर्पित किया, उसमें से थोड़ा सा मात्रा जो है जल की लेकर कहीं पर भी उसमें से छींटे आते हैं जैसे जल समर्पित करते हैं, तो उसे पूरे घर में छिड़क देना चाहिए और थोड़ा सा उस आचमन के रूप में उसे सेवन करना चाहिए, कई तरह के रोगों का नाश होता है। बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यह जानकारी है जो हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके साथ ही माता तुलसी को कभी भी सूतक पातक और प्रियट की अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी श्री हरि विष्णु की कोई पूजा आराधना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके लिए माता तुलसी आवश्यक रूप से उन्हें समर्पित करें। इसके साथ ही आप सभी जो है कभी भी एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी इत्यादि ना तोड़े, कहने का अर्थ है नाखून इत्यादि से भी तुलसी को जो है बहुत सॉफ्ट तरीके से छूने का प्रयास करें, कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छे तरीके से उसे तोड़ने का प्रयास करें। कई महिलाएं कैंची इत्यादि से काटती हैं, चाकू से निकालती हैं उन पत्तियों को, यह सही नहीं माना जाता। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, नाखून के अग्रभाग से उसे तोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन है। इसके साथ ही माता तुलसी को हमेशा जो है कभी कभी जब आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं तो दूध से सींचने से भी लाभ होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। हमेशा तुलसी माता की परिक्रमा करने का प्रयास करें, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति है करवाता है। बच्चों का भी पढ़ाई इत्यादि में मन नहीं लगता तो माता तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उन्हें किताब के बीच में रख दिया जाए तो शास्त्र कहता है बहुत अच्छा, इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सुख शांति जो है घर परिवार पर बनी रहती है। इसके साथ ही कभी कभी जो है तुलसी की पत्तियां प्रसाद के रूप में जब श्री हरि विष्णु को यह समर्पित हो जाती है तो इसे ग्रहण करना चाहिए, बच्चों को भी इसे ग्रहण करवाना चाहिए,
कई तरह के रोग दोषों का इससे नाश होता है। तो गुरुवार का दिन है, आवश्यक रूप से माता तुलसी के आगे आप सभी दीपक लगाते होंगे, इससे काफ़ी लाभ मिलता है। आप सभी जानते ही होंगे, शिव भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, तो इन कार्यों को करते ही होंगे। परंतु आज के दिन अगर आप जो उसका पौधा होता है, केले का पौधा होता है, वहाँ पर भी आप सभी को आवश्यक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। बहुत सुफल प्राप्ति होती है। और साथ ही कभी भी भगवान शिव को तुलसी पत्र या तुलसी से संबंधित कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है और इसका दोष उत्पन्न होता है, तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। सिर्फ जो है श्री हरि विष्णु को यह चीज़ समर्पित करनी चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी माता तुलसी को लेकर। आप सभी के लिए वीडियो मददगार रहा हो तो जय श्री राधे, हर हर महादेव जरूर लिखे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है। हर हर महादेव।